हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जबरदस्त खुशखबरी जो कि निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ने जारी किया है नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया कि बहुत जल्द हम सभी के बीच RRB की तरफ से ALP एंड टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर बम्पर नंबर ऑफ सीट पे रिक्रूटमेंट आउट होने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के आधार पे कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, ओवरऑल कितना सीट है दोनों पोस्ट पर, क्या क्या सीट्स रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले इसको। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो इसको लेकर तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको पहले ही बताया कि RRB में ALP एंड टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि RRB का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना एग्जाम में आपको ये सब फुल फॉर्म वगैरह पूछ दिए जाते हैं। तो RRB का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके तहत फ्रेंड्स आपको 2 पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आया है। द फर्स्ट पोस्ट इज ALP असिस्टेंट लोको पायलट एंड सेकेंड इज टेक्नीशियन। तो ALP के लिए सीट देखें तो 27,795 मतलब 30,000 के अप्रॉक्स इसकी सीट्स है। टेक्नीशियन के लिए 36,576, इसके लिए आपको 40,000 के अप्रॉक्स सीट्स रहने वाली। टोटल सीट की अगर बात करें तो 64,371 सीट है। और ये जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ ना, या फिर इसके बारे में बता रही हूँ, इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB ने जारी किया था 11 दिसंबर 2023 को। इसी के आधार पे फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब आने वाला है। तो तैयारी अपनी आप जबरदस्त कर लो, क्योंकि वैकेंसी आए और आप अपना एक सीट अचीव कर लो, ऐसा आप अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करके रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसमें एज की लिमिट क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का। ये नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ना ये एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। आगे अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड रहेगी, तो क्वालिफिकेशन सिंपल है, 10th पास आउट प्लस ITI। हाँ, ITI के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया है कि जिस रिलेटेड फील्ड से आपने ITI किया है उसके लिए ही रिक्रूटमेंट रहेगी। इस जो होता है ना ITI के रिगार्डिंग, मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, वहां पे जाके आप अच्छे से थॉरो आउट रीड करना कि क्वालिफिकेशन की क्या नई डिमांड आई है दोनों ही पोस्ट के लिए। तो डिटेल में मैं आप देख लेना वहां पे। चलिए आगे देख लेते हैं फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लगेगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम जनरल OBC एंड EWS से लिया जाएगा 500 रुपीज, SC ST फिजिकली हैंडीकैप पर्सन एंड फीमेल से 250 रुपीज, मतलब हाफ चार्ज इनसे लिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। पहले बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 स्टेज पे आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंडेबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होती है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पहले Tier 1 क्रॉस करना है, देन Tier 2। थर्ड होता है आपका CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको क्लियर करोगे तो होगी आपकी DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए सिंपली आपका 3 स्टेजेस आपने अगर क्रॉस कर लिया तो आप एलिजिबल हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर CBT 1, Tier 1 निकालना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, Tier 2 निकालना है, देन आपका DV होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग ज्वाइनिंग लेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए CBT 1 यानी कि जो आपका Tier 1 होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न है। Tier 1 में फ्रेंड्स होंगे 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 का है, ये आप अच्छे से समझ लो। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे,
जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, जीके एंड सीए मतलब जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है क्योंकि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, निगेटिव मार्किंग 1/3 का है और टाइम 1 आवर का है। सो आई होप सीबीटी 1 की एग्जाम पैटर्न को आप बेटर वे में समझ गए होंगे। ये क्वालिफाई करने के बाद होता है आपका सीबीटी 2। तो सीबीटी 2 जो आपका होता है ना वो पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पार्ट में पेपर होता है आपका, मतलब ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके देखें तो आपका जो पेपर होगा ना 2 घंटे 30 मिनट का होगा, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। पार्ट ए होगा 90 मिनट का एंड पार्ट बी होगा 60 मिनट का। तो चलिए पहले पार्ट ए का देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, टाइम 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पार्ट ए होगा, निगेटिव मार्किंग दोनों ही पार्ट के लिए 1/3 का रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस है तो इसमें से आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चंस होंगे, जीए एंड सीए विच मींस जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एंड जब आप ये पार्ट सॉल्व कर लेते हो तो आपको पार्ट बी में जाना है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस रिलेवेंट ट्रेड से, जैसा आपको पता है कि आईटीआई के लेवल का है, आईटीआई इसमें कंपलसरी है, तो जो आपका रिलेटेड ट्रेड जिससे आपने आईटीआई किया है उसका 75 क्वेश्चंस होंगे आपको 75 मार्क्स के लिए। टाइम 60 मिनट्स का है मतलब 1 घंटे का, और जैसा आपको पहले ही बताया है कि 1/3 का इसमें आपको निगेटिव मार्किंग होगा। सो आई होप कि ओवरऑल आप जो है पार्ट ए एंड बी सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्वालिफाई करने के बाद एएलपी के लिए जो आपका सीबैक टेस्ट होता है उसमें देख लेते हैं मिनिमम क्या क्वालिफाइंग का यहाँ पर परसेंटेज है। मिनिमम 42% लाना है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज होता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप दे सकते हो। नो निगेटिव मार्किंग मतलब इसका कुछ निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस जो आप सही करोगे उसका मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि मेरिट लिस्ट आपका कैसे तैयार होगा। तो मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार होगा ना 70% इन पार्ट ए, सीबीटी 2 का जो ये पार्ट ए है ना इसका 70% मार्क्स, और 30% जो आपको सीबैट टेस्ट में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका एएलपी के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो एएलपी की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 25,000 होती है, आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर इंक्रीमेंट के बाद आपको यहाँ पर 50,000 की सैलरी दी जाती है, मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी भी आप देख रहे हो। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रुपीज एंड अप टू आपका 35,400 रुपीज आपको सैलरी दी जाती है। सो आई होप कि सैलरी भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आपका ये फॉर्म कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कब आपका फॉर्म आउट होगा। तो जैसा आपने देखा है कि 11 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया, जिसके तहत अनुमान आप ये लगा सकते हो कि जनवरी के लास्ट से लेके फरवरी तक आपका ये फॉर्म ना आ जाएगा। तो ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है, रेलवे ने खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया तो वैकेंसी बहुत जल्द निकल के आएगी। और सबसे सिंपल बात आप ये समझो ना कि अप्रैल 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले ज़रूर है कि एटलीस्ट वैकेंसी भी निकाला जाएगा ताकि बच्चे अच्छे से मोटिवेट हो और इलेक्शन में वोटिंग वगैरह जो होती है आप समझ सकते हो। एंड आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो, क्वेरीज वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अदरवाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसका जो नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके वहां पे फॉलो कर लो। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट करके ही जाना ताकि सारी फ्रेश न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी सरकारी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।